अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने जैसे एक दिन पहले वीडियो में कहा था कि मैं जो बंदा नमाज पढ़ने आता था वो चल नहीं सकता था, आज उसको इंशाल्लाह एक व्हीलचेयर में दूंगा। तो अब वो बंदा वो जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मस्जिद से निकल के ना, वो देखें वो नमाज़ पढ़ के जा रहा है। तो ये व्हीलचेयर लेके उसके पास जा रहे हैं बच्चे, तो अभी हमें उसके व्हीलचेयर भी बैठाते हैं इंशाल्लाह ताला। ये हम जा रहे हैं उसके पास और आज इंशाल्लाह उसको व्हीलचेयर देंगे और उसका मस्जिद में आना जाना आसान हो जाएगा। तो मैंने कल एक छोटी सी वीडियो बना के डाली थी और आप लोगों ने इतना उसको देखा और शेयर किया। मैं आज देख रहा था एक रात से तकरीबन 15,000 लोगों ने वो वीडियो देखी है। तो अस्सलाम वालेकुम, उमर दुकान पकड़ कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है। अच्छा ये आप देख सकते हैं, इधर देखें इसका ये पैर जो है ना, यहाँ से ये देखें आप और ये देखें, यानी इसके पैर नीचे से हालत देखो आप। तो ये 5 वक्त नमाज पढ़ने अपने घर से मस्जिद में साल में आता है और इस साल में जाता है। तो इंशाल्लाह आज इनको व्हील चेयर पर बैठाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। इसको अगर ऐसे चलाएंगे ना, ब्रेक लगाने ना, इसके पीछे इसको यूं दबाएंगे जैसे दा ब्रेक जिदा हा, इसको पता है। आप पकड़ो इसको, आगे चलाओ, एक मिनट इसको छोड़ दो, इसको चलाओ, चलो चलो सीधा नहीं, इसको छोड़ो आप, खाली ये चलाते रहो, ऐसे चलते रहो, चलते सीधे सीधे आस्ते आस्ते। अगर मुड़ना है ना तो इसको इसी हाथ से ऐसे मोड़ो, ऐसे ऐसे जाना, तो ऐसे सीधा, ठीक है। और अगर रुकना है ना इसको यूं दबाएगा रुक जाएगा। अब चलो आप आस्ते आस्ते लाल लाल चलिए, सीधा सीधा आगे चलो, सीधा सीधा चलते रहो, सीधा सीधा सीधा। बस जब रुकना हो ना खाली इसको ऐसे दबाएगा रुक जाएगा, ठीक। बस नाजरीन जो हमने वादा किया था कि हम इनके एक अच्छी व्हील चेयर दिलाएंगे, चाहे ना कि कभी ख़राब होने वाली नहीं है, तो आज अल्लाह की मेहरबानी से ये मस्जिद में व्हील चेयर पर आएंगे जाएंगे। तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों की मदद भी किया करें और इनके लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह आसानी फरमाए।